अच्छा नहीं, हमने ऑक्सफोर्ड पे तो बात कर ली। जी अब ये बताइए कि आपने यूके के कौन कौन से शहरों में जो जी है वो घूमा है, और हर शहर के बारे में हम मैं बताता हूँ आपको। शुरू करते हैं कासल बात इसी करना। तरह मुझे एक दफ़ा फिर दोबारा शौक आया यूके जाने का, पैसे थे नहीं। मैंने फिर दोबारा मुबीन रशीद साहब को कॉल की, मैंने कहा जी कासम अली शाह साहब को मैं लेके आता हूँ आपके पास, वहाँ पे उनके लेक्चर्स करवाते हैं वहाँ पे। वो उन दिनों में पिछले 3-4 साल पुरानी बात है, तो वो भी नहीं गए हुए थे शाह साहब हाँ भी। तो शाह साहब कहते हैं जी, मैंने कहा एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको बिल्कुल मुख्तलिफ सही। मुल्कों में जाने का। तो वो कहते हैं जी ठीक है, 10 दिन का टूर प्लान कर लें, हम चलते हैं। तो मुबीन साहब ने कहा जी ठीक है, आप लोग आ जाएँ। तब फिर मैंने 10 शहर फिरे, और अच्छा जब हम रास्ते में थे शाह साहब और मैं आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि क्या लोग आ जाएंगे अटेंड करने के लिए इतने। तो हम बड़ा कन्फ्यूज़ थे, लेकिन शाह साहब ने नॉन स्टॉप 10 डेज मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए, और जबरदस्त। वहाँ पे अगर 100 लोग इकट्ठे हो जाएं किसी लेक्चर को अटेंड करने के लिए, तो यूके के हिसाब से ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है अच्छा जी। क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, वो बिल्कुल, नॉलेज क्यों नहीं हासिल करते, वो किसी लाइब्रेरी में क्यों नहीं क्योंकि जाते हैं, टाइम नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें आधा घंटा जाने का लगा, आधे घंटा आने का आने का लगा, लगा और 2 घंटे बिल्कुल, हमने वहाँ पे गुजारे, तो इसका मतलब 3 घंटे हमारे 3 घंटे सर्फ हो गए। सब हो अब जो गए। 3 घंटे के जो वो पाउंड्स कैलकुलेट करते हैं तब उनका दिल नहीं करता कि वहाँ वो जाने का। वहां पे जाए। फिर वहाँ पे हम लीड्स सिटी है वहाँ गया, मैनचेस्टर गए, बर्मिंघम सबके गए, बारे में बताना शुरू कर हडर्सफील्ड दे गए, खुद के। नॉटिंगम गए। हाँ तो वहाँ पे बस फिर वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, हाँ और कोई भी ऐसे लेक्चर नहीं हुआ जहाँ पे 100 से कम लोग थे। कई अच्छा, जगह ऐसी थी जहाँ पे 200-250 भी लोग थे मौजूद मतलब लोग वहाँ पे, टाइम निकाल के आए टाइम और निकाल के। लोगों, मतलब ओ लोग शास सोचना समझना और नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बात ये कि टाइम हाँ टाइम की टाइम कमी होती है, मैनेजमेंट। लेकिन शाह साहब की वहाँ पे बहुत ज़्यादा पज़ीराई हुई, बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया गया, और हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वहाँ पे लेक्चर्स अरेंज हुए। और फिर इस ज़िम्मे में फिर मैंने तमाम शहर देख लिए, चलिए, लंदन के अलावा। सबसे पहले हम कौन से शहर जी की जी बात वहाँ पे करें। ज़्यादातर ज़्यादा डिस्कस करने के लिए मेरे पास हडर्सफील्ड के हवाले से ज़्यादा हाँ मेरे पास बात इसलिए है क्योंकि वहाँ पे तारक मखदूम साहब हैं। तारक मखदूम साहब एक बड़ी अजीम शख्सियत हैं, अच्छा उनका बड़ा शौक होता है कि वो मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठे करते हैं, खाने खिलाते हैं, अच्छा, और उनका दिल करता है कि आप उसमें गपशप लगाएं। लोग बात तो करें जो भी बैठे। पाकिस्तान से जाता है, जो भी कोई शख्सियत हो, कोई इल्मी हो, कोई सियासी हो, कोई स्पोर्ट्स की हो वो, या कोई फिल्मी दुनिया के लोग हों, हाँ वो उनके पास हडर्सफील्ड ज़रूर जाते हैं। जरूर जाते हैं। हडर्सफील्ड एक ऐसा एरिया है जो कि हिली एरिया है उधर का, और फिर उसके करीब ही है लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट में दुनिया की बड़ी अजीम शाही जो है ना वो हुई हुई है वहाँ पे अच्छा। जी। और लेक है, और बहुत घने घने दरख्त हैं, बड़ा घना जंगल है, और बहुत खूबसूरत लेक बनी हुई वहाँ पे। फिर लेक में वहाँ पे सैर करते हैं, और हाँ फिर कुदरत के नज़ारे देखते हैं, और फिर आप अपने आप को कुदरत के साथ अटैच फील करते हैं। बिल्कुल। दूसरा वहाँ पे जो बर्मिंघम है हाँ वो छोटा शहर है, वहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छा, ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। वहाँ पे तो आपका जो बाज़ार हैं, आप वहाँ पे फिर रहे हो तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आप लंदन में हैं या अनारकली में हैं क्योंकि वो अनारकली तर्ज के उन्होंने बाज़ार बाजार डिज़ाइन बनाए किए हुए गए हैं। हैं। और मैनचेस्टर है, वो मैनचेस्टर जो है दैट इज़ द मिडल ऑफ द यूके। अच्छा। वहीं से आप ग्लासगो जाते हैं, वहीं से आप बर्मिंघम जाते हैं, वहीं से आप लंदन जाते हैं, और फिर वो पूरा लंदन जो है वो आपका वहाँ से कवर हो जाता है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ट्रैवलिंग का अंदर हमने करनी है, तो ट्रैवलिंग के लिए किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, बसेस को, ट्रेनों को? एक बड़ी खूबसूरत बात है वहाँ पे, वो वहाँ पे एक ओयस्टर कार्ड बन जाता है। पहले 37 पाउंड का बनता था जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, आजकल वो 55 पाउंड का बनता है। अच्छा, तो तो वहाँ फिफ्टी पे फाइव पाउंड पाकिस्तानी कितने? तकरीबन बन के 12,000 रुपये, 12,000 बारह में। वो वीकली कार्ड बन जाता है, 12,000 में वीकली कार्ड। वीकली कार्ड। तो उसमें आप बस भी सफ़र कर सकते हैं, आप उस पर ट्रेन पे सफ़र कर सकते हैं, और ट्राम पे भी। अच्छा ट्राम वो होती है जो कि ऊपर चलती है, हाँ जो ऑन द ग्राउंड चलती है, जी और जो ट्राम और जो ट्रेन है वो इनसाइड चलती है, हाँ अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड ठीक ट्रेन से होती है, वहाँ भी यूज़ और बसेस से भी यूज़ होता है। हाँ। उसकी खूबसूरत बात यह है कि फिर आप उसको पंच करते रहें हर तो आपको जगह पैसे पे, नहीं देने, फिर फिर वैसे नहीं देने आपने, आपने एक बार 55 पाउंड्स खर्च कर दिए डेट्स तो बस, एक हफ्ते के लिए, तो फिर आप कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जहाँ मर्जी जाएं फिर आप। पूरे इंग्लैंड में कहीं नहीं भी? लंदन में, पूरे ये लंदन लंदन में। की बात कर रहा हूँ अच्छा, आपको, लंदन में। लंदन फिर आपको फिर ना टेंशन खत्म हो जाती है, कि यार अब ये देना है, अब ये करना है, बड़ा कार्ड आपने सुकून स्वैप से एक किया बार और स्वैप शुरू। करते जाएं। क्योंकि अगर आप टैक्सी पे आप सफ़र कर
करेंगे वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो फिर आपके सारा बजट ही आपका फौरन से खत्म हो जाएगा। तो टैक्सी में क्या ट्रैवलिंग करना बहुत एक्सपेंसिव है क्या? वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ तो आप 50-60 पाउंड तो ऐसे ही थोड़ा सा सफर करने से 40-15-20 किलोमीटर सफर करने से आपके, तो ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता होगा। ये महंगा हो जाता, मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने जाते जब लाइब्रेरी गया तो मैंने लाइब्रेरी का कार्ड बनवा के लेके आया, जिनके पास मैं रह रहा था वो भी पाकिस्तानी लोग थे, तो उन